हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज हम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टर्म समझेंगे कि व्हाट डज बायोडायवर्सिटी मीन। ठीक है, बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है। अगर हम इस टर्म को देखें तो बायो का मतलब होता है लाइफ एंड हमारा डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी। सो बायोडायवर्सिटी का सीधा सीधा मतलब हो गया कि वेराइटी ऑफ लाइफ। ठीक है, सो बायोडायवर्सिटी जो है वो यूजली रेफर करती है टू द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ ऑन एट ऑल इट्स लेवल। ठीक है, जितनी भी वेराइटी ऑफ लाइफ है जो अर्थ पर पाई जाती है सभी लेवल पे, लाइक फ्रॉम जीन्स टू इकोसिस्टम्स। ठीक है, एंड देन इट आल्सो एनकैम्पास द एवोल्यूशनरी इकोलॉजिकल एंड कल्चरल प्रोसेसेस दैट सस्टेन द लाइफ। सो यूजुअली बायोडायवर्सिटी क्या है, वैरायटी ऑफ लाइफ इन ऑल इट्स फॉर्म्स, फिर चाहे वो फ्लोरा हो, फौना हो, देन हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, बैक्टीरियाज, वायरसेस एंड ये सब। ठीक है, सो ये सभी के सभी किस में आते हैं, हमारे बायोडायवर्सिटी में आते हैं। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ठीक है, अब हॉटस्पॉट्स यूजुअली क्या होते हैं, हॉटस्पॉट्स हमारे कौन से रीजन्स होते हैं। ठीक है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट यूजुअली वो रीजन्स होते हैं जहाँ पर हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी होती है ऑफ स्पीशीज़ विद द मोस्ट थ्रेटेंड पॉइंट्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी है, स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी में प्रेजेंट है, लेकिन साथ में क्या है, सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, सो उन रीजन्स को हम बोलते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। अब बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बनने के लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्जर्वेशन इंटरनेशनल, कॉन्जर्वेशन इंटरनेशनल ने एक क्राइटेरिया सेट किया है। ठीक है, कि किसी भी रीजन को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्जर्वेशन इंटरनेशनल कोई भी रीजन को हम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का बोलेंगे जब वो ये दो क्राइटेरिया जो है वो एज अ हॉटस्पॉट फॉलो करेगा। अब वो दो क्राइटेरिया क्या थे, नंबर वन था इट शुड हैव हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। अब एंडेमिज्म का मतलब क्या होता है कि जो हमारा जो भी स्पीशीज है या जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, इट शुड फाउंड इन ओनली इन दैट एरिया, वो सिर्फ वहीं पर फाइंड किया जाना चाहिए और वर्ल्ड में बाकी वो कहीं भी नहीं हो सकता है। सो ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, या ऐसे स्पीशीज को हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। ठीक है, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में ही पाए जाते हैं एंड बाकी कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। सो पहला क्या होना चाहिए, इट शुड हैव हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, एंड मतलब उसके पास क्या है कि 1500 स्पीशीज होने चाहिए, किसके, वैस्कुलर प्लांट्स के होने चाहिए। सेकंड क्या है कि इट मस्ट बी थ्रेटन्ड। अब ये क्या है, थ्रेटन्ड है एंड इट थ्रेटन्ड है मतलब इट शुड कंटेन 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट। 70% क्या है, उसका खुद का हैबिटेट होना चाहिए, एंड थ्रेटन्ड होने चाहिए मीन्स इट शुड ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, सो उन रीजन्स को हम बोलते हैं डायवर्सिटी हॉटस्पॉट। सो जो भी रीजन्स जो हैं वो ये दो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं वो होते हैं हमारे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। एंड इन द वर्ल्ड अभी प्रेजेंट में जो है टोटल 36 जो है वो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो हैं वो प्रेजेंट है। अब इन 36 में से जो 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं। और वो 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कौन से हैं, पहले आ जाते हैं हिमालयाज, ठीक है, देन आ जाते हैं हमारे इंडो बर्मा रीजन, ठीक है, विच इज़ दिस वन, देन आते हैं हमारे वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, एंड देन आता है हमारा सुंदरलैंड। ठीक है, सो ये चार जो रीजन्स हैं, ठीक है, हॉटस्पॉट्स जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, इंडिया में ही पाए जाते हैं। एंड ये चारों के चारों जो हैं वो दोनों क्राइटेरियाज क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। अब पहले हम बात करते हैं हिमालयाज की, तो हिमालयाज में हम क्या इंक्लूड करते हैं, यूजुअली नॉर्थ ईस्ट इंडिया का थोड़ा सा रीजन, भूटान, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ नेपाल। ठीक है, ये रीजन जो आ जाता है वो क्या आ जाता है, हमारा हिमालयाज में आ जाता है। यूजुअली जो हमारी हिमालयन रेंज है, ठीक है, वो किस में आ जाती है, हमारे हिमालयाज में आ जाते हैं। अब हिमालयाज पे जब हम बात करते हैं, ठीक है, सो हिमालयाज में क्या है, ये क्या है, एकदम हाईएस्ट है वर्ल्ड में। ठीक है, एक तो बिल्कुल हाईएस्ट है, एंड इनके पास क्या है, इनके पास जो है वो रिकॉर्ड है, ठीक है, कितने का, 163 एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसमें क्या क्या आता है, वाइल्ड एशियन वाटर बफलो, देन वन हॉर्न राइनो, एंड 10,000 प्लांट स्पीशीज, जिसमें से 3,160 क्या है, एंडेमिक है, मीन्स वो सिर्फ वहीं पाए जाते हैं और कहीं पर भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इवन नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के हमारे जो कुछ एरियाज हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है, जो हमारी खासी एंड जयंतिया हिल्स जो हैं, वहाँ पर बहुत से ऐसे रेयर प्लांट स्पीशीज़ हैं जो सिर्फ वहीं पाए जाते हैं, बाकी कहीं पर भी नहीं पाए जाते हैं। सो देखिए, दे आर एंडेमिक स्पीशीज़। ठीक है,
साथ में क्या है, इन जो माउंटेन रेंज है वो नियरली कितना कवर करती है, 750,000 किलोमीटर स्क्वेयर्स का जो है वो उसका क्या है एरिया रहता है, ठीक है। सो ये सारा का सारा क्या है अबाउट द हिमालयाज, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा हॉटस्पॉट रीजन है इंडिया का, दैट इज इंडो बर्मा रीजन। अब इंडो बर्मा रीजन जो है वो दिस वन, ठीक है, ये रीजन जो है वो इंडो बर्मा रीजन है एंड इट इज स्ट्रेच्ड ओवर द डिस्टेंस ऑफ कितना, 23,73,000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है इंडो बर्मा रीजन में जो है वो आ जाता है। अब ये हॉटस्पॉट जो है वो यूजली किसके लिए जाना जाता है, एंडेमिक फ्रेश वाटर टर्टल स्पीशीज़ के लिए, ठीक है। सो इंडो बर्मा रीजन जो है वो स्पेसिफिकली जो है यहाँ पर फ्रेश वाटर टर्टल स्पीशीज़ जो है वो पाए जाते हैं विच आर ऑलमोस्ट थ्रेटन, ठीक है, ये बहुत रेयर जो है वो पाए जाते हैं। और साथ में यहाँ पर क्या है 1300 बर्ड स्पीशीज़ भी पाए जाते हैं जिसमें जितने भी हमारे थ्रेटन्ड है लाइक वाइट एयर्ड नाइट हिरॉन, देन द ग्रे क्राउंड क्रोशियस एंड द ऑरेंज नेक्ड पैट्रिज, ठीक है, ये जो है थ्रेटन्ड स्पीशीज़ भी यहाँ पर क्या है पाए जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इंडो बर्मा रीजन एंड इंडो बर्मा रीजन में ही अभी लास्ट 12 ईयर्स में जो है वो 6 लार्ज मैमल स्पीशीज़ जो है वो डिस्कवर किए गए थे। अब वो जो 6 लार्ज मैमल स्पीशीज़ हैं उसमें से क्या क्या आ जाते हैं, लार्ज एंटर्ड देन मुंजैक आ जाता है, देन फिर एनामाइट मुंजैक है, देन ग्रे शैंक डक है एंड साथ में एनामाइट स्ट्रिप्ड रैबिट लीफ डियर एंड सावला, ठीक है। सो ये कुछ 6 मैमल्स हैं जो इंडो बर्मा रीजन में लास्ट 12 ईयर्स में क्या हुए हैं जो है वो डिस्कवर किए गए हैं, ठीक है। सो इसमें जो है ये सारी चीज़ें जो है वो एंडेमिक हैं एंड ये इस तरीके से क्राइटेरिया जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का फुलफिल करता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे वेस्टर्न घाट्स पे। अब वेस्टर्न घाट्स क्या कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पेनिनसुलर इंडिया जो हमारा इंडिया का नीचे ये पेनिनसुलर रीजन है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा वेस्टर्न एज है, ठीक है, वो हमारा क्या है वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। इसमें यूजुअली क्या पाए जाते हैं, हमारे डेसीडियस फॉरेस्ट एंड रेन फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पाए जाते हैं। अब इस रीजन में जो है वो 600 प्लांट स्पीशीज़ जो है वो पाए जाते हैं जिसमें से 6000 प्लांट स्पीशीज़ पाए जाते हैं जिसमें से 3000 क्या है एंडेमिक हैं, ठीक है। एंड साथ में यहाँ पर 450 स्पीशीज बर्ड्स के हैं, 140 मैमल्स के हैं, 260 रेप्टाइल्स हैं एंड 175 एम्फीबियंस हैं। अब ये सिर्फ वही स्पीशीज हैं या वही स्पीशीज हमने देखे हैं, वही नंबर्स देखे हैं जो डिस्कवर हो गए हैं, ठीक है। येट यहाँ पर हॉटस्पॉट्स में अभी भी बहुत ज़्यादा अनडिस्कवर्ड स्पीशीज़ हैं, चाहे फिर वो कोई भी रीजन हो, चाहे वेस्टर्न घाट्स हो, हिमालयाज हो, इंडो बर्मा रीजन हो या सुंडरलैंड हो, ठीक है, यहाँ पर अभी भी बहुत सारे अनडिस्कवर्ड स्पीशीज़ जो हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए इनको हॉटस्पॉट्स जोन जो है वो बोला जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है बायोडाइवर्सिटी रिचनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमें मिलती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट आता है लास्ट हमारा हॉटस्पॉट रीजन जो इंडिया का है, दैट इज सुंडरलैंड। अब सुंडरलैंड रीजन कौन सा है, दिस वन, ठीक है, यूजली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, ठीक है, एंड इसके साथ में यहाँ पर क्या है साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट जो कवर करता है वो है सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्रूनी एंड मलेशिया रीजन्स भी जो है वो किस में आते हैं, सुंडरलैंड में आते हैं। अब सुंडरलैंड जो है 2013 में सुंडरलैंड को क्या है एक वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 2013 में सुंडरलैंड को क्या है वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। और ये किस लिए फेमस है, ये रीजन अपने टेरेस्ट्रियल और मरीन इकोसिस्टम के लिए काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि आप देख सकते हो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड साथ में जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये यूजुअली क्या है कोस्टल एरियाज पे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मरीन इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा रिच है एंड साथ में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा रिच है, ठीक है। और ये क्या है इट इज़ वन ऑफ द बायोलॉजिकली रिचेस्ट हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा वन ऑफ द रिचेस्ट हॉटस्पॉट्स है वर्ल्ड में एंड इसमें 25,000 स्पीशीज़ हैं वेस्कुलर प्लांट्स के, ठीक है। सो कितनी ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी है, येट यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनडिस्कवर्ड स्पीशीज़ भी हैं वो अभी प्रेजेंट हैं। सो ये थे हमारे 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन्स इन इंडिया एंड इतना था आज का हमारा लेक्चर। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।